साक्षात का मतलब है जो सत है, चित है, आनंद और साक्षात है। ये कल्पित मैं मेरा उड़ जाए ज्ञान से, और वास्तविक जो साक्षात है उसी में अपना मैं पना समझ में आए, उसको बोलते साक्षात्कार। भगवान कृष्ण, भगवान शिव, इनका दर्शन एक बात है, लेकिन अपने मैं का साक्षात्कार करोगे तो इनका अस्तित्व और अपने मैं का अस्तित्व सब एक रूप दिखेगा। एक रूप आकृति नहीं, सब आकाश रूप, सारे तत्वों में आप ईश्वर में, ईश्वर आप में, ब्रह्म में आप में ब्रह्म, ऐसा हो जाएगा। तो स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, अर्जुन ने भी पूछा था कि आप ज्ञान की वाहवा महिमा करते हैं प्रभु, तो स्थिति प्रज्ञ क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसा होता है? तो बोले प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन से बाहर के सुख या कोई अवस्था की कामना ही नहीं रहती। अरे बोले फिर तो जड़ हो जाएगा। नहीं, हो तो शुद्ध चैतन्य एकदम टनाटन हो जाएगा। जड़ क्या हो जाएगा? साक्षात्कार के बाद जड़ नहीं होता। साक्षात्कार के बाद जीवन जीने की तो मजा साक्षात्कार के बाद आती है। पहले तो बस बैलगाड़ियों में बंधे बैलों की ना ही मजूरी करके मर रहे हैं। साक्षात्कार वाले को तो खुद को तो आनंद रहता है, लेकिन उसकी हाजिरी से वातावरण आनंदित हो जाता है। सम्मुक्तो भवति, सतृप्तो भवति, सतरति लोकांतरिति, ऐसा साक्षात्कार होता है। संतों का संग, सत शास्त्रों का ज्ञान, ये लेकर फिर अभ्यास करो। उल्टा अभ्यास घुस गया है ना, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, तो उसको काटने के लिए श्रवण करो, मनन करो, परमात्मा क्या है उसके विषय में ज्ञान पालो, फिर पाया हुआ ज्ञान का मनन करो, मनन किए हुए ज्ञान को ध्यान में गहरा उतरने दो, उसको नित्य ध्यासन बोलते। तो सुनने से सौ गुना मनन, मनन से सौ गुना नित्य ध्यासन, तो फिर साक्षात्कार होता है। अभी सुन लेते, फिर इधर उधर की तू मैं की अपादापी में थोड़ा पुण्य होता है, जैसे बारिश गिरी और थोड़ा खेत धुल गया, लेकिन खेत को खेड़ना भी है, जोतना है, फिर उसमें बीज डालना है, खाद पानी का ध्यान रखना है, तो खेत लहराता है। ऐसे सत्संग रूपी वर्षा तो होती है, लेकिन बाकी का आगे जो है वो नहीं करते हैं, इसलिए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। हकीकत में परमात्मा प्राप्ति के लिए इतने वर्ष नहीं चाहिए, एक वर्ष तो बहुत हो गया, तड़फ हो तो 6 महीने भी चल जाएगा, लेकिन परमात्मा प्राप्ति की तड़फ नहीं है, रुचि नहीं है, और जरा सी रुचि है तो रुचि को तोड़ने वाली सैकड़ों बातें हैं इधर इधर की उधर की। रुचि थोड़ी देर होती है, फिर रुचि दबाने वाली बातें मार देती है। और परमात्मा प्राप्ति के बाद जो जीवन होता है ना, वो सचमुच में जीवन है। अभी तो कोई जीवन है, परमात्मा प्राप्ति के पहले का जीवन क्या है, वो तो पल पल में रोज जहर के घूंट पीने, न जाने काम के डंक, क्रोध के डंक, लोभ के, मोह के। तो जिसको आप महत्व देते हैं वो चीज रसमय सुखमय हो जाती, चीज में चाहे दम हो चाहे ना। आज जिसको आप द्वेष बुद्धि से, घृणा से दिखते हैं, तो फिर उसमें ऐसा दिखता है, तो ये दोष है। ये अनंत काल का राग द्वेष, बेईमानी को महत्व दिया तो चाहे कितना संचालक का पद मिल जाए, लेकिन वो बेईमानी के कारण करा करा चौपट हो जाता है, और पैसा तो ले नहीं जाएंगे ऊपर, रुपया पैसा तो कोई ले नहीं जाएगा। मैनेजर का पद मिला, कोई भी पद मिला, तो पद का दुरुपयोग किया, लोभ को महत्व दिया, तो ईश्वर तो बकवास है, ईश्वर पाना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। द्वेष को महत्व दिया तो फिर तो एक दूसरे के टांगे खींचने में ही समय शक्ति बर्बाद होगा। लापरवाही को महत्व दिया,
तो लापरवाही को महत्व दिया, लोभ को महत्व दिया, काम को महत्व दिया, क्रोध को महत्व दिया, द्वेष को महत्व दिया, और ये महत्व देते देते सदियों से भटक रहे इन्हीं आदतों में। इसलिए श्रवण करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, नित्य ध्यासन करना पड़ता है। उन चीजों से महत्व हटाकर भगवान को महत्व दो, भगवत ज्ञान को महत्व दो, भगवत मनन को महत्व दो, भगवत ध्यान को महत्व देकर भगवत प्राप्ति कर लो, नहीं तो पटके जाएंगे। जितना बेईमान आदमी उतना दुखी होगा, जितना कपटी द्वेषी झूठा उतना करा करा भले मेहनत कितनी भी करे, लेकिन कपटी है, द्वेषी है, झूठी बातें भड़काना, झगड़े कराना, तो उस आदमी का भगवान को पाना तो दूर रहता है, वो कुत्ते की योनि में जाएगा। फिर जो झगड़ा करवाता है करता है, तो कुत्ते तो झगड़ा करने में होशियार होते, ऐसी कोई योनि में चला जाएगा। खूब झगड़ा करो, भौंकते रहो। इसलिए श्रवण करो, मनन करो, नित्य ध्यासन करो भगवान का। तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि अभिधीयते, हे भागवत में आता है। भगवान श्री हरि का ज्ञान प्राप्त करो। श्रोतव्य, भगवान श्री हरि के विषय में सुनो। कीर्तितव्य, से भगवान की कीर्ति गान करो। सुमृतव्य, भगवत नाम, भगवत तत्व का स्मरण करो, तो आप भगवान में पहुंच जाओगे। और इन गुंडों के हाथ लगोगे, काम क्रोध लोभ, पक्के गुंडे तो ये हैं, बाहर के गुंडे बेचारे क्या बिगाड़ते। बाहर के गुंडे, बाहर के आतंकवादी इतना नहीं नुकसान करते जितना ये आतंकवादी अंदर बैठे वो नुकसान करते। वो बाहर का आतंकवादी तो बहुत बहुत तो एक जगह बम ब्लास्टिंग 10 जगह करेगा, 10-20-50 आदमी की जान लेगा, लेकिन अंदर के आतंकवादी तो कितने जन्मों तक अपनी जान लेते रहते हैं, कितने 84 लाख जन्मों तक। नारायण हरि, नारायण हरि। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये हमारा हृदय प्रभु तुम्हारा भवन है। ताही बसे आई बहुत चोरा, इसमें बहुत चोर घुस गए, काम क्रोध लोभ द्वेष चिंता भय पार्टी मेरा तेरा, अरे सभी में एक भगवान है। राम जी के लिए बंदर लड़ रहे हैं, उनके अंदर लड़ने की शक्ति आती है भगवान से, और रावण के पक्ष में जो लड़ रहे हैं उनके अंदर सत्ता उसी भगवान की। अरे रामचंद्र की जय, वो राजा रावण की जय, कैसी लीला चल रही। जो ज्ञानी है वो सम्मान है, बाकी तो दे धमा धम। गीजर पानी गर्म कर रहा, फ्रिज ठंडा कर रहा, बिजली वही की वही, ऐसे ही रोम रोम में रमने वाले चैतन्य परमात्मा वही के वही। एक नूर ते सब जग उपजा, तो इस प्रकार के ज्ञान में मन भगवत रस में, तो राम जी संतों का संग करे, सतशास्त्रों का ज्ञान पाए और फिर अभ्यास करे, तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होना ये पुण्य का फल, और पुण्य का फल होगा तो संत भी मिले। पुण्य फल अपने पुरुषार्थ से भी संत मिलते, कोई सत्कर्म किया भगवान प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से भी संत मिलते, और पुण्य जोर करता है तभी भी संत मिलते, और संत मिले तो भगवान की भूख जगे, भगवान की भूख जगे थोड़ी तो भी संत मिलेंगे। ये परस्पर एक दूसरे को पोषक है। पुण्य संत के पास ले जाएगा, संत के पास जाएंगे तो भगवत ज्ञान भगवत भूख जगे। तो आप भगवान पर भरोसा रखकर पलायनवादी आलसी न हो जाए, लेकिन भगवान पर भरोसा रखकर पौरुष करें यथा योग्य। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 गुण रखिए तो फिर भगवान आपको मार्गदर्शन देंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे और सफल जीवन, संतुष्ट जीवन और पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, ऐसे में आप पहुंच जाएंगे।